भगत सिंह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें उनके साहस, देशभक्ति और भारत की स्वतंत्रता के प्रति अटूट समर्पण के लिए याद किया जाता है। भगत सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। तथ्य नंबर एक, प्रारंभिक जीवन। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा, पंजाब, भारत में देशभक्ति गतिविधियों के इतिहास वाले एक परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा देश के लिए किए गए बलिदान से बहुत प्रभावित थे। तथ्य नंबर दो, 1919 में कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीय प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, ने भगत सिंह पर गहरा प्रभाव डाला। इस घटना ने उनमें ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने की इच्छा जगा दी। तथ्य नंबर तीन, भगत सिंह HSRI में शामिल हुए, एक क्रांतिकारी संगठन जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। वह संगठन के भीतर एक प्रमुख नेता और रणनीतिकार बन गए। तथ्य नंबर चार, 1928 में साइमन कमीशन संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव देने के लिए भारत भेजी गई एक ब्रिटिश समिति के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को पुलिस ने बेरहमी से पीटा था। बाद में उन्होंने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने राय की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी जेम्स ए. स्कॉट की हत्या की योजना बनाकर और उसे अंजाम देकर राय की मौत का बदला लेना चाहा। तथ्य नंबर पांच, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दमनकारी कानूनों के विरोध में दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में गैर घातक बम फेंके। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने मुकदमे को अपने क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया। तथ्य नंबर छह, भगत सिंह और उनके सहयोगियों पर उनके कार्यों के लिए मुकदमा चलाया गया। क्रूर यातना और पूछताछ का सामना करने के बावजूद सिंह इस उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। उन्होंने अपने क्रांतिकारी आदर्शों और भारत की स्वतंत्रता की आवश्यकता का प्रचार करने के लिए मुकदमे का उपयोग किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। तथ्य नंबर सात, भगत सिंह समाजवादी सिद्धांतों में विश्वास करते थे और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और सामाजिक आर्थिक असमानता दोनों से मुक्त भारत की कल्पना करते थे। वह मार्क्सवाद से प्रेरित थे और उनका लक्ष्य एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाना था। तथ्य नंबर आठ, साहित्यिक योगदान। भगत सिंह एक विपुल लेखक भी थे। उन्होंने राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय से संबंधित विषयों पर विस्तार से लिखा। मैं नास्तिक क्यों हूं सहित उनके लेखन उनके वैचारिक रुख और उनकी मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। तथ्य नंबर नौ, विरासत। भगत सिंह के बलिदान और निडर भावना ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर अमिट प्रभाव छोड़ा। उन्हें राष्ट्रीय नायक और साहस और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। तथ्य नंबर दस, स्मारक। भगत सिंह की जयंती 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान का सम्मान करने के लिए भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न स्मारक, संग्रहालय और संस्थान उनकी स्मृति और आदर्शों को संरक्षित करने के लिए समर्पित हैं। भगत सिंह का जीवन और बलिदान न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। उनकी क्रांतिकारी भावना और राष्ट्र के प्रति समर्पण भारत के ऐतिहासिक आख्यान का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। आपको मेरी यह जानकारी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना।